श्री विष्णु पुराण चौथा अध्याय भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वरह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और भगवान ब्रह्मा जी की लोक रचना। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं। भगवान ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबके उत्पत्ति के स्थान हैं। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं, यह श्लोक कहते हैं, नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल ही उनका प्रथम अयन निवास स्थान है, इसीलिए भगवान को नारायण कहा गया है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसीलिए प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य कुर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वारह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञमय वारह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतर आत्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जन लोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देखकर देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। माता पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था। और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रधान कारण और व्यक्त कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के एकार्ण व रूप जलमय हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परतत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त होती हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणियां हैं, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ, इसीलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपति, हे अनघ,
आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वशटकार हैं, आप ही ओंकार हैं और आप ही अग्नियां हैं। हे हरि, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं, तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं, अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर साम स्वर ही जिनकी ध्वनि है उन भगवान धरणी धर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावरहा ने अपने दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान शाम तथा नीलांचल के सदर्श विशाल काय भगवान वसा तल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जन लोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदन आदि मुनीश्वर को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुआ, रसा तल में नीचे की ओर जाने लगा और जन लोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है वे महावरह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनि जन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड़ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण हैं, तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ रूप हैं, आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ हैं, मुख में शयन चित आदि चित्तियां हैं, उताशन यज्ञ आदि आपकी जिह्वा हैं तथा कुशाएं रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप स्कंध के रोम गुच्छ हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, स्त्रुक आपका तुंड थुथुनी है, साम स्वर धीर गंभीर शब्द है, प्रागवंश यजमान ग्रह शरीर है तथा सत्र शरीर की संधियां हैं। हे देव, श्रोत्र और पुर्त स्मार्त धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ति, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपति, परमार्थ अर्थात सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा माया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग ब्रह्म से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत की बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं
अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञानवीता हैं, वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मन, प्रसन्न होइए। हे अप्रमयात्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह स्वर्ग की प्रवृत्ति संस्कार का। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह स्वर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वरहा जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित हैं और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सप्तद्वीप आदि क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूलोक आदि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुख धारी भगवान ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उनकी प्रधान कारण तो सृजय पदार्थों की शक्तियां ही हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से वस्तुता स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।